हेलो गाइस, आज की ये वीडियो होने वाली है रियलमी 7 प्रो के बारे में। इसमें हम बात करेंगे इसके कंफर्म स्पेक्स, प्राइस रेंज और लॉन्च डेट के बारे में, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारी लीक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी। क्योंकि ये रियलमी 6 प्रो का सक्सेसर रहने वाला है, इसीलिए इसमें आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके कन्फर्म स्पेक्स के बारे में, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए। सो गाइस, बात करें सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की फुल HD रेजोल्यूशन वाली एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि एक एमोलेड पैनल रहने वाला है। यहीं पर आपको 1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी वो एक कर्व डिस्प्ले रहने वाली है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली है। क्योंकि एक मिड रेंज सेगमेंट में स्मार्टफोन आने वाला है, लेकिन जो इसके स्पेक्स हैं वो फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन्स को भी टक्कर दे पाएंगे। अगर यहीं पर बात करें, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, और क्योंकि एक एमोलेड पैनल रहने वाला है, इसीलिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर यहीं पर बात करें इसके बिल्ड एंड डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक डिजाइन देखने को मिल सकता है, या इसी के साथ इसमें आपको ग्लास बैक डिजाइन भी देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 765 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको ड्यूल 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट मिल जाएगा। और यहीं पर बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की, इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB, 64GB, 6 128GB, 8 128GB, जिसमें आपको UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इसमें आपको रैम में मिलने वाला है LPDDR4X रैम। अगर बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है पेंटा रियर कैमरा सेटअप, जिसमें आपको मेन सेंसर मिलने वाला है 108 MP का। इसके अदर कैमरा सेंसर के बारे में अभी कोई कंफर्म डिटेल नहीं आई है, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, टेलीफोटो लेंस, एक जूम लेंस, और इसी के साथ इसमें आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इसके फ्रंट फेसिंग कैमरे की, तो उसमें आपको 44 MP का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है NFC का सपोर्ट, टाइप सी पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक। अगर बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको 5200 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको 30W का फास्ट चार्जर सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर बात करें, इसमें आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट, जिसमें आपको रियलमी UI इंटरफेस रहने वाला है। अगर यहीं पर बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो यह आपको देखने को मिलेगा मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में। और इसी के साथ अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यह आपको अंडर 20,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको किसी भी स्मार्टफोन के लिए स्पेक्स और डिटेल की वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।